हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट्स, दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस। मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ लिसन केयरफुली, एवरी सिस्टम आर दी प्रेजेंट द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने सिस्टम है पूरे के पूरे सिस्टम में डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या रहती है, एनर्जी रहती है। द एनर्जी इज एक्सचेंज इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इज एक्सचेंज बाय द मेनली टू इंपॉर्टेंट वेज। वन इज द एक है हीट एंड अनादर वन इज द दूसरा है व्हाट वर्क है। द एनर्जी इज एक्सचेंज इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मेनली बाय द टू वेज। देयर आर द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। वन इज द हीट एनर्जी एंड अनादर वन इज द दूसरा कौन सा है, वर्क एनर्जी है। द हीट एनर्जी इज द नॉन मैकेनिकल फॉर्म। हीट एनर्जी एक कौन सा फॉर्म है, नॉन मैकेनिकल फॉर्म है। एंड अनादर वन इज अ वर्क इज द एक कौन सा फॉर्म है, मैकेनिकल फॉर्म है। ओके, हियर इज अ फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज अ व्हाट हीट। आप सबसे पहले देखेंगे हीट एनर्जी क्या है, दैट इज अ नॉन मैकेनिकल फॉर्म क्या है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अभी यहाँ पे हेडिंग देना आपको हीट के बारे में। सबसे पहले स्टडी करेंगे पहला मोड हीट। द हीट इज अ डिनोटेड बाय द, किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। द एनर्जी इज अ ट्रांसफर इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अ मेनली। द हीट इज अ ट्रांसफर बाय द डिफर द टेम्परेचर्स। टेम्परेचर के डिफर से हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इन बिटवीन द व्हाट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। द एनर्जी इज एक्सचेंज इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज द हीट इज अ डिफर द टेम्परेचर इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इफ द सिस्टम इज अ हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। सिस्टम का टेम्परेचर किसके कंपेयर में ज्यादा है, सराउंडिंग के कंपेयर में ज्यादा है। हियर द सिस्टम इज अ लॉस द हीट। यहाँ पे सिस्टम क्या करती है, हीट लॉस करती है। किधर लॉस करती है, सराउंडिंग। क्योंकि सिस्टम ये कैसे, सिस्टम इज द, ये सिस्टम क्या है, हॉटर है। सिस्टम इज अ हॉटर देन व्हाट, सराउंडिंग। देयरफॉर द हीट इज अ लॉस। हीट क्या होती है, लॉस होती है फ्रॉम द सिस्टम टू व्हाट, सराउंडिंग। बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया, इफ द सिस्टम इज हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग, देयरफॉर द सिस्टम इज अ लॉस द हीट एंड हीट इज अ गेन द, कौन गेन कर रही है, सराउंडिंग। क्वाजिंग बाय, इसकी वजह से क्या होता है, क्वाजिंग बाय द डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द, किसका टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द व्हाट, सराउंडिंग का क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर। यहाँ पे हीट किधर ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग। क्योंकि सिस्टम इज हॉटर देन द सराउंडिंग, इसकी वजह से क्या होता है, द डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द, किसका टेम्परेचर बढ़ता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस कंटिन्यूअस टिल अप टू द
द इक्विलिब्रियम इज अ टेक्स प्लेस इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूअस टेक्स प्लेस होती है. नाउ इफ द सिस्टम इज द लोअर टेम्परेचर, अभी सिस्टम का क्या, इफ द सिस्टम इज अ लोअर टेम्परेचर देन द व्हाट सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपेयर में सिस्टम का टेम्परेचर कैसा है, कम है, तब वहां पे द हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे द सिस्टम इज अ व्हाट लोअर टेम्परेचर, द सिस्टम इज अ क्या, सिस्टम इज अ कोल्डर देन द, किसके कंपेयर में कोल्डर है, सराउंडिंग के कंपेयर में कोल्डर है. Therefore, the heat is a transfer from the surrounding to what? System. फिर यहाँ पे हीट ये किधर आ रही है, सराउंडिंग में से कहाँ पे आ रही है, सिस्टम में आ रही है. बिकॉज द सिस्टम इज अ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज अ क्या है, लोअर है देन द व्हाट सराउंडिंग, इसकी वजह से हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू व्हाट सिस्टम में आ रही है. ओके नाउ द हीट इज अ, यहाँ पे देखिए हीट इज द पॉजिटिव, क्यू कब पॉजिटिव रहेगा, हीट इज अ क्यू इज अ पॉजिटिव, कब पॉजिटिव रहता है, द क्यू इज अ पॉजिटिव, द हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू व्हाट सिस्टम, जब हीट ये कहां से कहां पे आ रही है, सराउंडिंग टू व्हाट सिस्टम, तब क्यू किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, एंड क्यू इज द व्हाट निगेटिव, द हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द व्हाट सिस्टम टू व्हाट सराउंडिंग, जब हीट ये किधर से किधर जाती है, सिस्टम टू व्हाट सराउंडिंग में जाती है, तब क्यू किस में रहता है, निगेटिव में रहता है. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट हीट के बारे में, हीट कब ट्रांसफर होती है, दैट इज जब सिस्टम हॉटर होंगी देन द सराउंडिंग से, तब हीट ए सिस्टम टू व्हाट सराउंडिंग में जा रही है, जब सिस्टम ए कोल्डर है देन द सराउंडिंग, तब हीट ए कहाँ पे जाती है, सिस्टम टू व्हाट सराउंड, द हीट ये सराउंडिंग में से कहाँ पे आ रही है, सिस्टम में आ रही है. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट वेज देखना है, नेक्स्ट मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज अ वर्क, अभी आपको स्टडी करना है, वर्क का स्टडी करना है, हाउ टू मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ द एनर्जी, वर्क से किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है ना. अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क किसे कहते हैं, वर्क, व्हाट इज माय वर्क, द एनर्जी इज अ ट्रांसफर by the mechanical waves, the energy is exchanged by the mechanical waves, से energy exchange होती है, is known as, उसे क्या कहते है, work कहते है, what is the work, the energy is exchanged by the mechanical waves, is known as, उसे क्या कहते है, work कहते है, there are so many different form of the work, work के अलग अलग form है, वर्क इज द एक कौन सा वर्क है, फोर्स इनटू व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट है, अनदर वन इज अ यू नो दैट इज अ ग्रेविटेशनल वर्क, कौन सा वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क, फिर ग्रेविटेशनल वर्क क्या रहता है, दैट इज अ एमजीएच रहता है, अनदर वर्क इज द दूसरा कौन सा वर्क रहता है, इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, क्यू इनटू व्हाट इज दिस वी, अनदर वर्क इज द आपको पता है स्प्रिंग वर्क, कौन सा वर्क, स्प्रिंग वर्क, व्हाट इज द स्प्रिंग वर्क क्या रहता है, दैट इज अ 1/2 k इनटू व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर. ओके देयर आर दी सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ दी क्या वर्क है, हियर इज आपको यहाँ पे किसका स्टडी करना है, मैकेनिकल वर्क का स्टडी करना है. फिर आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल वर्क क्या है एंड व्हाट इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, बिकॉज दो तरह के दी टू इम्पोर्टेंट वर्क इज अट एक्सप्लेस, वन इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क एंड अनदर वन इज व्हाट मैकेनिकल वर्क. अभी यहाँ पे द इलेक्ट्रिकल वर्क,
दी वर्क इज अ टेक्स प्लेस या द केमिकल रिएक्शन इज अ टेक्स प्लेस थ्रू द आयंस. जो केमिकल रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इज अ टेक्स प्लेस थ्रू द आयन इज नोन एज, उसे कौन सा वर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं. एंड द मैकेनिकल वर्क इज द टेक्स प्लेस व्हेन द चेंज द वॉल्यूम, चेंज द मैकेनिकल वर्क इज अ टेक्स प्लेस द चेंज द वॉल्यूम बाय अपोजिंग द प्रेशर, कुछ अपोजिंग प्रेशर से जो वॉल्यूम चेंज होता है दैट इज नोन एज, उसे कौन सा वर्क कहते हैं, मैकेनिकल वर्क कहते हैं. बिकॉज वर्क के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वन इज इलेक्ट्रिकल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क. द मैकेनिकल वर्क इज अ टेक्स प्लेस व्हेन चेंजेस द वॉल्यूम बाय एनी अपोजिंग द प्रेशर इज नोन एज, उसे कौन सा वर्क कहते हैं, मैकेनिकल वर्क. दिस मैकेनिकल वर्क इज अ मेनली टेक्स प्लेस इफ इन द सिस्टम इज अ कंटेन द व्हाट गैस. मैकेनिकल वर्क इज अ मेनली टेक्स प्लेस इफ इन द सिस्टम इज अ प्रेजेंट, द सिस्टम में मेनली क्या होगा, गैस होगा, तो तब जो वर्क होता है दैट इज द मैकेनिकल वर्क इज मेनली टेक्स प्लेस इफ इन द सिस्टम इज अ कंटेन द क्या रहता है, गैस रहता है. देयरफॉर द मैकेनिकल वर्क इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. मैकेनिकल वर्क को आप क्या कह सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं. नाउ लिसन केयरफुली, द हीट एंड वर्क इज द, ये दोनों कैसे फॉर्म है, द हीट एंड वर्क इज द ये इक्विवेलेंट फॉर्म है. हीट एंड वर्क इज द एक ऐसा फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है. एंड दे आर द इंटर कन्वर्टेबल, दोनों एक दूसरे में क्या किया जाता है, इंटर कन्वर्टेबल है. हीट एंड वर्क इज द इक्विवेलेंट एंड बोथ आर द व्हाट, इंटर कन्वर्टेबल. द हीट एंड वर्क इज द एक्सप्रेस बाय द सेम यूनिट से, दोनों को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. हीट एंड वर्क इज द एक्सप्रेस बाय द व्हाट, सेम यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है. बिकॉज बोथ आर द दोनों ये कैसे हैं, इक्विवेलेंट है. हीट एंड वर्क इज द हीट एंड वर्क इज द नॉट द स्टेट फंक्शन, ख्याल में रखिए. हीट एंड वर्क इज नॉट द, एक कौन सा फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है. बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन दी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड है. एंड दे आर चेंज द पाथ से, उसकी सिस्टम की क्या चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है. इसकी वजह से आप ख्याल में रखिए, रिमेम्बर कीजिए, हीट एंड वर्क इज नॉट द व्हाट, स्टेट फंक्शन. बिकॉज दे आर दी पाथ फंक्शन, बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन दी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड है. ओके, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल में रखना है. हीट एंड वर्क इज द विच फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है. वर्क किसे कहते हैं, द एनर्जी इज एक्सचेंज बाय द मैकेनिकल वेव्स इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं. यहाँ पे अपने सिर्फ फोकस किया है मैकेनिकल वर्क के ऊपर. मैकेनिकल वर्क इज मेनली कंटेन द व्हाट, गैसियस सिस्टम में गैस होगा तो तब वो जो वर्क होता है दैट इज अ मैकेनिकल वर्क. ओके, गुड डे.